नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीपीएससी टीजीटी पीजीटी में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, ठीक है, यानी इतिहास भूगोल से संबंधित प्रश्न किस तरीके के आते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, सामान्य जो विज्ञान होता है। और ये जो प्रश्न है आपके बीपीएससी थ्री पीजीटी में आए थे, ठीक है, तो उसी का मैं ये पेपर जो है हल कराऊंगा, ठीक है। ये जो वीडियो है इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी टीजीटी पीजीटी में आते हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले मैंने लैंग्वेज भाषा का कराया था, ये जो है आपका जीके जीएस का है, ठीक है। उसके बाद और दो सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश और मैथ, ठीक है, तो उसको आप लोग भी देख लेंगे। चलिए इसको मैं करा दूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो हालांकि मैं ये सब विषयों का टीचर नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये है, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायुसराय कौन था, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड जो आप लोगों ने सुना है, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, इसके दौरान वायुसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई एक ही होगा, वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायुसराय थे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो डब्ल्यू सी बनर्जी यानी ब्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसका फुल फॉर्म नाम है, ये उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कौन, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नेहरू जी को, बाल गंगाधर तिलक को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, ये एम के गांधी लिख दिया, इससे कन्फ्यूजन ना हो, दिया महात्मा गांधी के बारे में ही कहा गया है, द्वारा शुरू किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनाई थी, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक। क्वेश्चन नंबर पाँच है, बरदौली सत्याग्रह का नेता कौन था, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह का नेता कौन था, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, बरदौली सत्याग्रह का नेता कौन था, इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था, ठीक है, संबंधित नहीं था या संबंध नहीं था, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था, किस मतलब होम रूल
आंदोलन से संबंध नहीं रखता था। कौन? सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये दोनों लोग और यहाँ पे सरोजनी नायडू भी होम रूल आंदोलन से संबंध रखते हैं। यहाँ पे दिया है कि कौन नहीं रखता था, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि वो सभी लोग रखते थे। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? ठीक है, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस की स्थापना की थी? जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना इन्हीं के श्रेय जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? ठीक है, यानी अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया? ठीक है, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया? मॉरिशस, म्यांमार, थाईलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है ए होगा, मॉरिशस में। ठीक है, इसके द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है? इसको नहीं, इसरो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ब्रह्मयान, गगनयान, आकाशयान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो गगनयान भेजा गया था उसको चंद्रयान, ये जो है गगनयान होगा। ठीक है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ठीक है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? USA, कनाडा, रसिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? वो जो है रूस है, रसिया। ठीक है, ये G7 का सदस्य नहीं है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? निर्जलीकरण, डीहाइड्रोजेनेसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? निर्जलीकरण, डीहाइड्रोजेनेसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का जो साधन है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? मृतक को पुनर्जीवित कुछ देर के लिए कौन सा तकनीक दिखा सकती है? चैटबॉट, AI, डीप कैफ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कोई है इसमें? इसमें जो है कोई नहीं है, ये सभी जो है AI, चैटबॉट, ये सभी कंप्यूटर सिस्टम में यूज किए जाने वाले हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से वार्तालाप, मशीनरी बातें होती हैं। ठीक है, AI वगैरह का प्रयोग फिल्मों में ज़्यादा होता है, यहाँ पे हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका है मृत को जीवित करने का, ये क्रायोनिक्स एक तरीका होता है, क्रायोनिक्स, उसके माध्यम से दिखाया जा सकता है।
2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आंसर है वो पाकिस्तान की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, 2024 में जीवित सूचकांक आकलन, ठीक है, मतलब जीने का जो तरीका है वो भारत से अच्छा कहाँ का है? पाकिस्तान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण, ठीक है, सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? सत्यनारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? ठीक है, तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किए थे। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश, यहाँ पे के जो है प्रश्न में नहीं था। चंद्रमा के सदृश यानी कि चंद्रमा के जैसे दिखने वाले या उसके समतुल्य उसी आकार के कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, मंगल, बुध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, बुध जो है चंद्रमा के सदृश है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? ठीक है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र किसको माना जाता है? जेरूसलम को, मध्य एशिया को, अफ्रीका की रिफ्ट को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है मानव उत्पत्ति का आधार जो है अफ्रीका को माना जाता है, यानी अफ्रीका की रिफ्ट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है अरावली प्रदेश, बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे शुष्क जो व्यवस्था होती है बीकानेर, बाढ़ क्षेत्रों में, अरावली प्रदेश, ये इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के हैं आप तो जीके जी इसमें पढ़े होंगे, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन होता है? वो है रोहतास, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? मकरान, जैग्रोस, एलबुर्ज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तेहरान जो पर्वत है ये तेहरान जो है वो किस पर्वत पे है? एलबुर्ज पे। ठीक है, तेहरान देश। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पूर्वी घाटी की, तो ये भी नहीं है महेंद्रगिरी जो है ये आपका उड़ीसा में है, कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है, अनाईमुड़ी कर्नाटक, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत के पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है जिंदगढ़ा। ठीक है, नाम मैंने देखा जिंदगढ़ा, ठीक है, ये जो है ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, औरंगाबाद, भागलपुर, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या दिया है? रेशमी वस्त्र का उत्पादन। ठीक है, तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भागलपुर। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है यहाँ पे, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? ठीक है, यानी कि वनस्पति और जीव जो है क्यों कम हो रहे हैं उसका वैध कारण नहीं है। ठीक है, चराई और जलाने की लकड़ी का एकवीकरण,
बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो बृहद पैमाने में योजना बन रही है, जो हो रहा है, ठीक है, तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी विद्युतीकरण, उसके बाद से तमाम ये 5G 4G ये सब कंप्यूटराइज जो सिस्टम आ रही है, इसके वजह से जो है जीवो में कमियाँ हो रही है, वनस्पति चीज़ों में कृषिगत फैलाव की वजह से भी कमी हो रही है। तो कारण नहीं है तो वो हो जाएगा चराई और जलाने की लकड़ी का एकभीकरण, यानी कि जो है आपका पशु पक्षी जो हैं चरते हैं या लकड़ी जो है उसको अगर हम जलाते हैं, तो ये जो कारण है ये वनस्पतियों का और जीवों का कमी होने का वैध कारण नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके जो है जीके जीएस से संबंधित 23 प्रश्न मिले थे। ठीक है, इसमें दो चार पांच क्वेश्चन जो है आपके विज्ञान यानी जीव विज्ञान से संबंधित इसमें टाइप नहीं हो पाया है। ठीक है, उसको भी देख लेंगे कभी। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके आते हैं, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग अबाउट चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ का लिंक पड़ा हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार अबाउट चैनल में जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं, उसका पीडीएफ ये वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप लोग लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।